तो बच्चे इस्तेमाल क्या करोगे? और बच्चे इस्तेमाल ही ना समझो तो बच्चे जो मांगते हैं उनको दे देते, प्रोवाइड कर देते, कोई इस्तेमाल नहीं है। जब तक उनको सुमार पर चलने की सीख ना दो, वहां तो लालन भी है ताड़न भी है, सुव्यवस्थित अनुशासन में लेकर के 16 वर्ष के बाद तुम बच्चे को हाँ नाउ यू आर फ्री। लाल पंचवर्षाणी दसवर्षाणी ताड़े प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र सम आचरे। संतान के साथ मित्र और व्यवहार कब करना चाहिए? जब 16 वर्ष का हो जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले यदि लालन करते हो तुम तो उसके लिए नरक का रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। तुम समझदार पिता नहीं हो, तुम अपने पितृत्व से नीचे गिर रहे हो। तुम समझदार मां नहीं हो। माता पिता का कर्तव्य बच्चे के प्रति लाल करना है 5 वर्ष तक, 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की 16 वर्ष की आयु तक 10 वर्ष तक उसको अनुशासन में रखना है। और 16 वर्ष का जब हो जाए तब चाणक्य कहता है कि फिर उसके साथ मित्र व्यवहार करो, क्योंकि अब जो बनना था बन गया, उसके बाद कुछ नहीं बनने वाला। जो संस्कार 5 से और 16 के बीच में पढ़ने थे वो पढ़ गए, उसके आगे उसका भी बनना बिगड़ना नहीं होता, उसके आगे तो अपना जिएगा बनेगा। तो मैं बता रहा था कि बूढ़े और बालक इन दोनों के लिए अपने सुख का समर्पण करना होता है, और इस देश में कोई अपने सुख का समर्पण करने के लिए तैयार है नहीं। इसलिए बूढ़े और बच्चों की जिंदगी यहां नार की जीवन है। खैर, हमें तो गीता की बातें समझानी है तो बीच में आ गई, इसलिए बता दिया। तो भगवान कहते हैं सकता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जैसे एक अविद्वान आसक्त होकर कर्म करता है, कुर्यात् विद्वान तथा सप्तश्च किरसुर लोक संग्रह, उसी प्रकार से लोक कल्याण की भावना में लगे हुए विद्वान को भी कर्म करना चाहिए। कर्म में उसके कमी ना हो, कमी है केवल अंतर दोनों में है, तो एक अपने लिए कर रहा है दूसरा समाज के लिए कर रहा है, बस इतना अंतर है। और इसके आगे भगवान की बात खतरे की है कि हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी मेरी प्रिय आत्माओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं गीता के तीसरे अध्याय का प्रवचन चल रहा है, जिसमें भगवान कर्मयोग की उपयोगिता और महत्ता समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, यदि हम नवर्ते यम जात कर्मण तद्रतः मनोवर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पाप सर्वसः लोका न कुर्याम कर्मचेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम पर्यायेन प्रजा। जो पूर्णत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको संसार से कोई प्रयोजन नहीं रहा, जिनको किसी भी प्रकार के किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार की कामना की पूर्ति की अब आवश्यकता नहीं रही, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि वह समाज के लिए आदर्श है, आदर्श होने के नाते समाज उसका अनुकरण करता है। यदि वह कर्म का त्याग करता है तो लोग उसको देख करके स्वयं कर्म का त्याग कर देंगे और इससे समाज का विनाश होगा। इसके उदाहरण में भगवान अपने आप को कहते हैं कि तुम देखो मुझे, दुनिया में मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, फिर भी मैं नित्य प्रति कर्म में निरत रहता हूं। क्यों रहता हूं? इसलिए रहता हूं कि यदि मैं अतंद्रित होकर के कर्म में सदैव न निरत रहूं
तो सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहने का अभिप्राय कि दुनिया के लोग भी कर्म से रहित होकर, कर्म का त्याग करके अपने जीवन को पतन की दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए मैं कुछ न चाहते हुए भी लोक हित की दृष्टि से, लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म में निरत रहता हूँ, और यदि मैं कर्म न करूँ तो उत्सी देयु इमे लोका न कुरियाम कर्म चेदम। यदि मैं कर्म न करूँ तो मैं इन सारे लोगों को नष्ट करने वाला हो जाऊँ। उत्सी देयु, उत्सी देयु माने नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला, पतित करने वाला। तो मैं इस लोक को, इस विश्व को पतित करने वाला, मानव समाज को पतित करने वाला हो जाऊं यदि मैं स्वयं कर्म न करूं तो। क्योंकि अनुकरण करेंगे और फिर उसके परिणाम स्वरूप शंकर श्रेष्ठ कर्ता श्याम कहते प्रजा, और शंकर का कर्ता और शंकर की उत्पत्ति में कारण बन करके मैं सारी प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊं यदि मैं कर्म न करूं तो। या कर्म संकरता है जो कि योग्यता के विपरीत कर्म करने से उत्पन्न होता है। इसी को भगवान ने गुण कर्म विभाग सह के आधार पर स्वयं दृष्टि किया है, ऐसा कहा है। जो गुण कर्म के विभाग से वर्ण की व्यवस्था है, वह वर्ण की व्यवस्था जीवन के विकास के लिए उपयोगी है, लेकिन गुण कर्म के विपरीत जो व्यवस्था होती है वो वर्ण संकरता होती है। और संकर श्रेष्ठ कर्ता से युवा प्रजा, भगवान कहते हैं शंकर का कर्ता होकर के मैं सारी प्रजा के नाश में कारण बन जाऊं यदि मैं कर्म न करूं तो। इससे क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार कर्म करने में निरत होता रहता है, बड़े को देख। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्ता कर्मणि अविद्वांसः, अविद्वान लोग, अज्ञानी लोग, जिसने तत्व को नहीं समझा है, ऐसे लोग जिस प्रकार से कर्म में आसक्त रहते हैं, कर्म में निरत रहते हैं, कर्म में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से हे भारत कुरिया विद्वान तथा सक्त लोक संग्रह, ठीक उसी प्रकार से विद्वानों को भी लोक संग्रह के लिए कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। यानी विद्वान और अविद्वान कर्म में कैसे लगे रहे, कैसे लगे रहे, जिसमें केवल आंतरिक स्थिति ही भेद कर सके, बाहर से देखने में कोई भेद न हो। यदि बाहर से किंचित मात्र भी भेद हो गया फिर तो वहां पर वही आपत्ति उपस्थित हो जाएगी। अविद्वान जिस प्रकार से कर्म में लगा हुआ है, विद्वान को भी उसी तन्मयता से, उसी प्रकार से, उसी लगन से कर्म में लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि अविद्वान तो अपनी पूर्ति के लिए लगा है, एक छोटे से परिवार की पूर्ति के लिए लगा है, और विद्वान को तो लोक पूर्ति के लिए, लोक हित के लिए काम करना है, इसलिए उसका क्षेत्र उससे बड़ा है, उसका मत उससे बड़ा है और उसका कर्म उससे श्रेष्ठ है। इसलिए विद्वान को भी उसी तत्परता, उसी लगन के साथ कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। कर्म को देख करके बाहर से कोई ये न कहे ये विद्वान जो है वो कर्म में लगा हुआ तत्वज्ञ जो है वो कर्म को टाल रहा है, यानी कर्म टालने की दृष्टि से कर रहा है, या केवल फर्ज अदायगी के लिए कर्म कर रहा है, इसमें इसकी रुचि नहीं, ऐसा प्रतीत न हो। यदि ऐसा प्रतीत हो गया कि ये तो फर्ज अदायगी के लिए कर्म कर रहा है, या केवल ये इमिटेशन कर रहा है कर्म का, कर्म नहीं कर रहा पूरे रूप से, फिर भी वह आदर्श खत्म हो जाएगा, फिर भी लोग उससे प्रेरणा नहीं ले सकेंगे। उसको तो कर्म में उसी प्रकार से जुटा रहना चाहिए जैसे कि एक अज्ञानी जुटा हुआ है।
जिसे लोग देख कर कहें हो हो, ये जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे कितना करना चाहिए। इस प्रकार से कर्म की आवश्यकता को भगवान ने बताया। अब आगे कह रहे हैं, न बुद्ध भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो शेष सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान को चाहिए, यहाँ विद्वान माने पढ़ा लिखा नहीं, ना ना, विद्वान माने तत्ववेत्ता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। उपनिषद में कहा गया विद्वान किसे कहते हैं, जो परम तत्व को जान लिया है। ऐसा विद्वान जो आनंद को जान लिया है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंद रूपी ब्रह्म का ज्ञाता, न विभेद कुतश्चन, वह किसी से भयभीत नहीं होता, कहीं भी भयभीत नहीं होता, ऐसा निर्भय को निर्भय और निष्काम भाव को प्राप्त हुआ तत्वज्ञ को विद्वान कहते हैं। तो ऐसा जो विद्वान है, पूर्ण प्रज्ञ है, पूर्ण ज्ञाता है, पूर्ण ज्ञानी है, पूर्णत्व को जो अनुभव कर चुका है, उसको चाहिए कि वो अज्ञानम, जो अज्ञानम अज्ञ लोग हैं जिनको अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनकी बुद्धि में भेद पैदा न करें। बुद्धि में भेद पैदा करने वाले उनके लिए गलत आदर्श उपस्थित न करें, उनको यह न कहे कि नहीं नहीं ये कर्म बंधन का कारण है, इससे तेरा कोई कल्याण नहीं होने। फिर क्या होगा यदि कहेगा तो, यदि वो कहता है तो उनकी क्या गति होगी। उसके लिए तुलसीदास लिखते हैं अपने रामायण में दुहावले में, ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक हो जाए। तो ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं उसे, ब्रह्म ज्ञानी की बात सुनकर के उसने भी कर्म छोड़ दिया, वो सोचता है कर्म छोड़ने से ही शायद ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो न खुदाई मिली न मिसाले सनम, न इधर करे न उधर करे, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, कर्म करते थे वो भी छोड़ दिए। तो ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वो तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक हो जाए, सीधे दुख कोई प्राप्त होती है, पतन कोई प्राप्त होती है, इसके लिए उत्थान के लिए कोई स्थान नहीं। और यदि लोग बिना ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, उनके लिए वेद का बहुत सुंदर संदेश है, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्निमाना। अविद्या में तो वर्त रहे हैं रातों दिन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के तमाशे में घूम रहे हैं, और स्वयं धीरा पंडितम मन्निमाना, स्वयं को मानते हैं मैं तो धीर हूँ, पंडित हूँ, विद्वान हूँ, मैं तो सब कुछ जान लिया है, और दुनिया की चाह भी बनी हुई है। तो जघन्य माना पर्यंत बूढ़ा, तो कहते हैं ऐसे लोग जो हैं ते बूढ़ा जघन्य माना, तो पतित लोग हैं, और यदि उनका दूसरा कोई अनुकरण करे तो अंधे ने ही नहीं माना या था अंधा, वो दुनिया को उसी प्रकार से लीड करेंगे जैसे अंधे की लाठी पकड़ कर अंधा चलता हो। तो जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़ कर चले तो दोनों खड्ड में गिरते हैं, इसी रूप से ऐसे ज्ञानाभिमानियों का अनुकरण करने वालों की गति होती है। इसलिए एक ऐसे पता चले कि ये ज्ञानाभिमानी है या ज्ञानी है, इसका तो एक सीधा साधा रास्ता है, जहां चाह है कामना है, जहां अपने सुख की किंचित मात्र भी डिमांड है, वहां अज्ञान है, वहां अविद्या है। अविद्या का लक्षण यही है। अविद्या का लक्षण यही बताया गया है कि जो अपने सुख की चाह को लेकर के किंचित मात्र भी स्वार्थ लेकर के संसार में निरत रहता है, वहां अविद्या का साम्राज्य, वहां विद्या नहीं है। क्योंकि विद्या में तो कहीं मांग के लिए स्थान ही नहीं। विद्या अमृतम वस्नुते, जो विद्यायुक्त है वह तो अमृतत्व का भोग कर रहा है, उसके जिंदगी में डिमांड के लिए स्थान का, विद्या अमृतम वस्नुते, विद्वान तो अमृत का उपभोक्ता होता है, वहां किसी प्रकार की कामना नहीं होती, किसी प्रकार की चाह नहीं होती, वो तो बस वायु ही वाह वाह है और वायु वाह वाह वो हाल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि विद्वानों को चाहिए, जो तत्वज्ञ है उनको ये चाहिए कि वो अज्ञानियों के कर्म की आसक्ति में भेद पैदा न करें, उनको बहकावे नहीं कि कर्म से कोई लाभ नहीं होने, हाँ हाँ जरूर करो इसी से तेरा कल्याण होगा, लेकिन उनके सामने थोड़ा थोड़ा आदर्श उपस्थित करें। कैसे, जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, उनके साथ आप स्वयं कर्म करते हुए बतावे कि काम तू बहुत अच्छा कर रहा, लेकिन यदि तू ऐसे कर ले तो बड़ा अच्छी बात,
तो अपने को काम में लगाकर विद्वान युक्त समाचरण, आप स्वयं युक्त होकर परमात्मा के साथ परमात्मा के लिए आचरण करते हुए उनको गाइड करें। जो सेत सर्व कर्माणि, उनको कर्मों में जो सेत माने लगावे, कैसे लगावे, जैसे आप कर रहे हैं। काम करने को मना न करें, काम करने की अवहेलना न करें, कर्म से उनको विरत न करें, बल्कि उनको कर्म में निरत करें। लेकिन निरत करते हुए भी एक छोटा सा आदर्श उनके सामने रखें, बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम जरा सा यदि इसको ऐसे कर लो तो जरा सा तो परिवर्तन हो सकता है, उससे उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन टोटल टोटल कर्म त्याग जो है वो तो मुश्किल होता है, क्योंकि दिशा धीरे धीरे परिवर्तित करनी, जिस दिशा में अज्ञानी चल रहा है उस दिशा से उसे थोड़ा सा मोड़ना है, धीरे धीरे मोड़ना है, इस ढंग से मोड़ना है जिससे कि उसके दिल में भेद ना पैदा हो जाए, वो अपने कर्म से पतित न हो जाए, कहीं च्युत न हो जाए। इसलिए यहाँ पर भगवान ने बात बहुत मजे की कही है, न बुद्धि भेदम जरेत अज्ञानाम कर्म संगिनम, जो कर्मों में आ सकते हैं अज्ञानी लोग हैं उनकी बुद्धि में भेद पैदा मत करो। कौन पैदा न करे, विद्वान, ये विद्वान के लिए कहा है, तत्वज्ञ के लिए कहा, क्योंकि तत्वज्ञ जो है उसी की ऐसी स्थिति होती है, उसी को लोग श्रेष्ठ समझते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं, उसी को आदर्श मानते हैं, तो उसको चाहिए कि उनको अधिक से अधिक कर्म में निरत करें। हाँ, कर्म जहां वो स्वार्थ रहित स्वार्थ युक्त कर रहे उसमें थोड़ा सा स्वार्थ रहित होने की सीख देता रहे, इतने सारे नहीं, इतने त्याग, इतने त्याग, इतना नहीं, सारा नहीं, ना ना, तुम्हारे बाल बच्चे क्या करेंगे इसमें, तुम इतना इतना तो त्याग सकता है खुशी से, हाँ इतना तो, इतने यानी एक अंश का त्याग यदि उसको कराना सिखा दे तो एक अंश से दो अंश धीरे 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 ग्रेजुअली उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। और यदि एकाएक सब त्याग दे तो न वो त्यागेगा, वो त्यागेगा, ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, वो भी त्याग कर बैठ जाएगा तो पुत्र को प्राप्त होगा। तो भगवान का यहाँ पर ये जो संदेश है विद्वानों के लिए ये अनुकरणीय है, हर एक तत्वज्ञ के लिए अनुकरणीय। भारत में एक संत हुए हैं कबीर दास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कबीर दास बनारस में रहते थे काशी में। एक दिन उन्होंने किसी संत के मुख से कर्माबाई जो महाराष्ट्र में रहती थी संत, उसका नाम सुना। कर्माबाई परम संत है और भगवान उसके साथ क्रीड़ा करते हैं। कबीर को बड़ी उत्सुकता हुई, भाई ऐसे संत है, कबीर संतों के बड़े सेवक थे, तत्वज्ञ होते हुए भी संतों की पूजा करते थे वो। वेशधारी यदि कोई साधु आ जाए, अज्ञानी हो लेकिन वेशधारी हो, तब भी उसको दंडवत प्रणाम करके मिलते थे, इतनी उनकी आस्था थी संतों में। तो कबीर जी चले कर्माबाई का दर्शन करने के लिए, जिस गांव में वो रहती थी वहां जब पहुंचे, पता लगाया है कर्माबाई कहाँ है, तो उसकी झोपड़ी में गए तो वहां से पता चला कि वो कर्माबाई तो उपला बेचने गई है। जैसे कबीर जी अपने बुन करके और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपनी जीविका चलाते थे कपड़ा बुन करके, ऐसे कर्माबाई का काम क्या था कि वो दिन में जंगल में जहां पशु चलते हैं वहां से गोहा बिनती थी, गोहा उठा लाती थी और उठाकर लाकर उनको उपला बनाती थी, पापती थी, तो उपले बना करके वो उपले ले जाकर के वो बेचती थी बाजार में, और उन उपलों के बदले में जो पैसा मिलता था उससे वो अपना गुजारा करती थी, ये उसका काम था। आप जरा भारत के संतों की कहानी देखें, कर्माबाई ये स्थिति थी, उसकी जीविका का साधन ये था कि जंगल में सभी के गांव के लोगों के पशु चरते थे, वो पशु जो जंगल में चरते हुए वहां गोहा करते थे उस गोहे को कर्माबाई उठाकर ले आती थी। और ला करके उसको वो पाती थी, उपला बनाती थी और उन उपलों को बेच करके फिर वो अपनी जीविका चलाती। जब कबीर जी पहुंचे उसके झोपड़ी पर, पूछा कर्माबाई कहाँ है, तो वहां के लोगों ने बताया कि वो तो उपला बेचने गई है बाजार में।
कहां पर तो बताया कि उस बाजार में, तो वहां बाजार में पहुंच गए। जब बाजार में पहुंच गए तो वहां पर दो स्त्रियां आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे के साथ खूब लड़ रही थी, गालियां दे रही थी एक दूसरे को। तो वहां पर कबीर जी ने पूछा भाई यहां कहीं कर्माबाई है, तो एक ने बताया कि वो जो लड़ रही है स्त्री वो कर्माबाई है। कबीर बड़ा हैरान ना, ये कर्माबाई क्यों लड़ रही भाई, क्या बात है, पता किया। लोगों ने कहा कि इसका उपला उस दूसरी स्त्री ने चुरा लिया, उस उपले के लिए लड़ रही है। कबीर को बड़ी हैरानी हुई कि जिस संत की मैं इतनी महिमा सुनकर काशी से आया दर्शन करने, वो यहाँ एक उपले के लिए लड़ाई कर रही है, और वो लड़ रही है उपले के लिए, आखिर ये मामला क्या है। तो कबीर ने जाकर के बीच में खड़े होकर के दोनों स्त्रियों के, उन्होंने कहा कि देवियों तुम लोग क्यों लड़ रही हो, क्या बात है। तो उसने कहा कि ये कहती है मेरा उपला चुरा लिया। तो कर्मा ने कहा कबीर को, देखा चल चल बड़ा संत बना है यहाँ पर बंटवारा करने को, चल ना फैसला करने आया तू, मेरा क्या फैसला करेगा, मेरे उपले को इसने चुराया और इसने अपने उपले में डाल दिया, मैं कहती हूँ मेरा उपला मुझे दे दे, कहती है नहीं देना, मैं उपला बेचूंगी तभी मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। कबीर कहता है कि भाई इसने तुम्हारे उपले अपने उपले में मिला दिए हैं, इसका क्या प्रमाण है। वो कहता प्रमाण क्यों नहीं है, प्रमाण देखना चाहता है तू। कबीर ने कहा जी हाँ, कैसे पता चले कि ये तेरे उपले है इसके उपले है। उसने कहा जितने मेरे उपले होंगे जरा उनको उठाकर तू कान में लगा, अपने पता चलेगा। वाह, कबीर ने जाकर उस देवी से कहा कि अच्छा देवी जरा उपले मुझे उठाने दे। उसने कहा उठा लो आप देख लो। तो उसमें से जो जो उपले उठावे कबीर कान को लगाता जाए, जो उसके उपले थे वो तो उपले थे, कान को लगाता तो कुछ नहीं था, लेकिन जो कर्माबाई के उपले थे जब वो कान में लगाता था उससे राम नाम की ध्वनि आती थी, उसमें विठल विठल की आवाज गूंजती थी। उपलों में से विठल विठल की आवाज गूंजती थी, राम नाम की ध्वनि आती थी। जब कबीर ने ये देखा तो अपने आप को उसने देखा, ये देवी है जिस उपले को स्पर्श किया उस उपले से भगवान के नाम की ध्वनि निकल रही है, उससे राम नाम की ध्वनि निकल रही है, विठल विठल ध्वनि निकल रही है। और एक मैं इसको देकर, इसकी लड़ाई देकर कि मैं सोच लिया कि ये काहे संत है। कबीर उसके चरणों में गिर गए, कहा मां बस क्षमा कर तू, मैं समझ गया। उसने कहा चल चल तू भगवान का प्रसाद लगाती हूँ, रोटी खा तब जा, काशी से आया तू। ये कर्माबाई की स्थिति, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कर्माबाई खिचड़ी बड़ी मशहूर है, लोग गाते हैं राजस्थान में उसके गीत। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कर्माबाई के जीवन को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतना महान संत होगी, वो उस उपले के लिए उतनी आसक्त दिखाई दे रही जितना कि दूसरा, लेकिन उसका जीवन का आदर्श है। तो भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना, जो लोग तत्वज्ञ हो गए हैं पूर्ण प्रज्ञ हो गए उनको चाहिए कि जो दुनिया में आसक्त है उनकी बुद्धि में भेद पैदा न करें, वो ये न करें जान दो निर्लक्ष न करें, ना ना बिल्कुल नहीं, बहुत दृढ़ता के साथ उनको भी वैसे ही नाटक करना चाहिए जिससे एक अज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, जिससे उसके दिमाग में ये बात न आए कि ये तो उपेक्षा की दृष्टि से काम कर रहे हैं। पूरी तत्परता पूरी लगन, जब पूरी तत्परता पूरी लगन होगी तभी वो दूसरे कहे कि भाई इसमें जरा सा तू यहां से आकर, वो धीरे धीरे उसको वहां से चेंज करके ले आए। कबीर कहा करते थे कि यदि तुम किसी को उठाने के लिए, कोई व्यक्ति डूब रहा है नदी में, यदि तुम उसको बचाना चाहो तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे कपड़े पर पानी न पड़े, ये तो तुम्हारी ना समझी, डूबते हुए को बचाने के लिए तो तुम्हें नदी में कूदना पड़ेगा। इसी रूप से जो संत संसार में रत व्यक्तियों को उनके स्तर से ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको संसार तक नीचे उतरना पड़ता है, और यदि न उतरे वो तो उनको ऊपर उठा नहीं सकते, लेकिन ये उनको देखना है कि वो कितनी नीचे, ऐसे नीचे न उतर जाए बिल्कुल उसे डूब जाए। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, उनकी बुद्धि में भेद पैदा न करें, और जो सत्सर्वकर्मणि उनको भी सभी प्रकार कर्मों में लगाते जाएं,
प्रेरणा देते जाएं, ये करो ये करो ये करो, क्योंकि करने की उनकी वृत्ति है और करने से ही उनमें धीरे धीरे निष्कामता का जागरण होगा। पहले स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, बाद में परमार्थ के लिए करने लगेंगे। विवेकानंद कहा करता था कि मैं एक तिलक लगाकर भीख मांगने वाले साधु की अपेक्षा एक डाकू को श्रेष्ठ समझता हूं। क्यों, कारण क्या? वो कहते हैं वो सक्रिय है अपने जीवन में, वो निष्क्रिय बना बैठा हुआ है, उसका रास्ता गलत है। वह डाकू जो है वह कभी वाल्मीकि बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि लगन है तो पड़ता है उसमें। जितनी फोर्स से वो गलत रास्ते पर जा रहा है, उतनी फोर्स से वो जब टर्न करेगा तो दूसरे रास्ते पर भी चलेगा। जो बिल्ल मंगल है चिंतामणि के पीछे मर रहा है, वो कभी कृष्ण के पीछे भी मर सकता है। जो रसखान एक लवंडे की आस्की के पीछे मर रहा है, वो कभी कृष्ण के पीछे भी मर सकता है। जो तुलसी स्त्री के चाम मांस के पीछे दौड़ रहा है, वो कभी राम के पीछे भी दौड़ सकता है। लेकिन जो निकम्मा है, भीरू है, उससे कुछ नहीं होने का, वो तो केवल रोटी मांग खा सकता है, राम राम कर सकता है। ऐसे लोगों से कोई भी महत्वपूर्ण काम न अपने जीवन में होगा न दूसरे के लिए होगा। इसलिए वो कहता है साहसी व्यक्ति जो है, और यही बात भगवान कहते हैं, साहसी व्यक्ति जो है वो बेटर है किसी भी प्रकार के निर्बल व्यक्ति की बजाय। इसलिए न बुद्धि भेदम जरेत ज्ञानाम कर्म संग्रह, जो से सर्वकर्मणि, उनको उसी प्रकार कर्म में लगाते जाओ जिससे अपने स्तर से धीरे धीरे ऊपर उठे। आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, उठ जाएंगे ऊपर। जो से सर्वकर्मणि विद्वान युक्त समाचार, और गीता का प्रारंभ ही इसी भाव से होता है। जैसे अर्जुन रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मैं इनको कैसे मारूं, अपने परिवार को मार कर नरक में जाऊंगा, अहो मत पापम पापम कर तुम व्यस्तावेम यद्राज सुख लोग न हूं हम तुम सजन बुद्धता, मैं अपने परिजनों को ही मार करके राज्य और सुख के लोभ में इतना पाप करने जा रहा हूं। भगवान ने उसको दो गालियां दी, पहले क्लैप्यम मास मगमा पाप, अरे नपुंसक, सबसे बड़ी गाली है किसी वीर को, अर्जुन ऐसे धर्मधारी को कोई कह दे अरे हिजड़े इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। क्लैप्यम मास मगमा पाप, अरे हिजड़ापन को प्राप्त मत हो, अनार्य जुष्ट मत स्वर्ग, ये तो नीचों द्वारा किया हुआ कर्म है। अनार्य माने नीच, आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य माने नीच, अनार्य जुष्टम, ये जो तू करने जा रहा है तो नीच लोग ऐसा करते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम कर्म अर्जुन। तो ये दो गालियां भगवान ने इतनी बड़ी दी, एक हिजड़ा का और दूसरा नीच का, इतने में तड़फड़ा गया कि मैं हिजड़ा मैं नीच, अरे कैसे हो सकता है। ना ना, वो कहता नहीं नहीं प्रभु, मैं तो गुरु नहान भावान श्रेय भोग तुम भक्षण पी लोगे, मैं तो अपने गुरुजनों को मार न मार करके भीख मांगना श्रेष्ठ समझता हूँ। बात इसमें हिजड़ेपन की नहीं है, इसमें नीच कर्म नहीं है, मैं अपने गुरुजनों को नहीं मार सकता। फिर भगवान और ऊपर से दो बातें सुनाते हैं उनसे, तब उसके होश आती, कहता नहीं अब मेरे लिए जो सही रास्ता वो बताइए। अब उसको भगवान यही समझा रहे, न बुद्ध भेदम जले ज्ञानाम कर्म संगीनाम जो सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचार। जो ज्ञानी लोग हैं, कर्म में आसक्त लोग हैं, विद्वानों को चाहिए कि उनकी बुद्धि में भेद पैदा न करें, उनको भी उसी प्रकार के कर्म में स्वयं करते रहें, युक्त समाचरण युक्त होकर के परमात्मा के साथ एक होकर के वो स्वयं कर्म करते रहें, और उनको भी जो से सर्वकर्माणी, उनको भी सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करें। यहां कर्मों में दिशा देने के लिए ही विद्वानों को कर्म में निरत होना चाहिए, आदर्श उपस्थित करने के लिए। खास बात है, भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित होकर मानव मात्र के लिए आदर्श उपस्थित करते हैं, और हर एक प्रकार की आपत्ति आती है उसमें रोते हैं, विलाप करते हैं। सीता का हरण होता है तो ऐसा विलाप करते हैं कि एक एक पत्ता हिल जाता है उनके विलाप सुन करके। इतने इतने द्रवित हृदय से विलाप करते हैं, और रावण वध के लिए जब संकल्प होते हैं तो उनकी प्रचंडता को देख करके इंद्र भी कांप जाता है। तो हर एक प्रकार के नाटक करने में कुशल, और पूरा नाटक करने के पश्चात प्रशांत होकर बैठते हैं। बड़ी अच्छी कथा है रामायण में, जब भगवान राम विलाप कर रहे थे तो नारद जी ने देखा,
तो नारद को लगा है।